जिला चिकित्सालय व निजी अस्पतालों समेत शहर में अनेक बूथों पर शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई, जिसमें 115 सरकारी बूथ और 15 प्राइवेट बूथ शामिल रहे, जिसमें 621 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिसमें फ्रंटलाइन वर्करों के छूटे हुए लोग भी शामिल हुए। 1669 लोगों को दूसरी डोज का वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीन लगाने में 60 वर्ष से ऊपर 1478 लोग शामिल हैं। बता दें कि दूसरी डोज लगाने पहुंचे अधिकारियों में कमिश्नर जयंत नार्लिकर, आईजी राजेश डी मोदक, डीएम के विजयन पांडेन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। इसके अलावा तारामंडल स्थित एक निजी अस्पताल में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने भी वैक्सीन लगवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीन लगवाने वालों सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, से जाएगा फिर आएगा तो उसमें मैडम कल ही हाथ लगा रही थोड़ा सा। हाँ बस थैंक जी दूसरा डोज तो अभी ठीक है। अभी तो तत्काल लगा आपको? जी। प्रीति गुप्ता। आपको वैक्सीन की कौन सी डोज लगी है? सेकंड डोज लगा है वैक्सीन का। पहली जो डोज लगी थी तो क्या कोई परेशानी कोई दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी हुई थी, बस थोड़ा सा फीवर हुआ था, नॉर्मली फीवर। वो कोई भी वैक्सीन लगेगा तो थोड़ा नॉर्मल फीवर रह सकता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई थी। अभी आपने जो लगाया है क्या अनुभव अपना साझा करेंगे? मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ लगाने के बाद। मैंने आधा घंटा हॉस्पिटल में आराम भी किया, लेकिन मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आम जनता को क्या राय देंगे? मैं यही कहूँगी वो फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज लगवाएं कोरोना वैक्सीन का। अंशिका त्रिपाठी। आज आपको वैक्सीन की कौन सी डोज लगी है? सेकंड डोज लगी है। कैसा अनुभव रहा आपको बताइए? अनुभव तो ठीक है, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, आगे का पता नहीं मुझे, अभी सब बेटर लग रहा है मुझे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? अभी बस हाथ में थोड़ा बहुत दर्द है, तो वो कोई भी वैक्सीन लगती है तो दर्द रहता है नॉर्मल सा।
आपने लगवाया है, और लोगों को क्या आप राय देना चाहेंगे? और लोगों को मैं यही राय देना चाहूँगी कि आके वो लगवाएं, सेकेंड और फर्स्ट डोज भी लगी रहा है, जिनका फर्स्ट डोज नहीं लगा है वो आके लगवाएं, यहाँ पे प्लीज़ सेकेंड डोज भी लगवा लें। पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल, बहुत। अभी जब फर्स्ट डोज हम लोग को लगा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक हम लोग ठीक हैं। अब उसके 28 दिन बाद हम लोग को सेकेंड डोज लगा है, तो सेकेंड डोज भी हम लोग का आगे भी ठीक ही रहेगा। सर आज दूसरी डोज लग रही है? हाँ जी, इसके बारे में। पहला डोज हमारा जो है 4 फरवरी को लगा था, और 4 मार्च को दूसरा डोज का जो है था, कल नहीं लग पाया, भीड़ ज़्यादा थी, तो आज हमने लगवा लिया है 5 को, और काफ़ी सेफ है टीका, हमें जो है कोई दिक्कत उस समय भी नहीं हुई थी, और अभी हमको आधा घंटा हो गया लगे हुए, अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीका काफ़ी सेफ है और जो है सबको लगवाना चाहिए। आज हमारे सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में 115 जगहों पर हमारा गवर्नमेंट की जगहों पर सेशन चल रहा था, और 15 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी टीकाकरण कर रहे थे, तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का भी टीकाकरण हो रहा था। फर्स्ट डोज में हमारे यहाँ 621 लोगों ने लगवाया है, और सेकंड डोज 1669 लोगों ने लगवाया है, और 60 साल से ऊपर के लोगों की मात्रा ज़्यादा रही, 1478 और 60 साल से ऊपर के लोगों ने लगवाया है। सब जगह टीकाकरण बहुत अच्छी तरह से चला, कोई किसी को किसी तरह के रिएक्शन नहीं आया, सब लोग स्वस्थ रहे। 25-30 मिनट रुकने के बाद सब लोग चले गए, और आज हमारे मंडल के और हमारे ज़िले के उच्च अधिकारियों ने सेकेंड डोज का टीकाकरण कराया है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, हमारे IG साहब, SSP साहब, DM साहब और सभी ADM और एडिशनल कमिश्नर सभी लोगों ने टीकाकरण लगवाया। सर दूसरी पहली डोज में सर कोई दिक्कत नहीं, दूसरी डोज लगने के बाद कोई ऐसी कुछ बातें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग सही रहे, ठीक रहे, हमारे अधिकारी सब लोग बैठे रहे 30 मिनट तक, और आराम से लोग एक दूसरे से बात करते रहे, और 30 मिनट बीतने के बाद सब लोग गए अपनी अपनी जगह पर, और वहाँ अपना लोग काम कर रहे हैं, और अभी हमने हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था तो सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी तरह की किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, शासन की जो भी निर्देश थे कोविड वैक्सीनेशन के, उसका हम लोगों ने पूरा अनुपालन किया है। हम लोगों ने पहली डोज 5 फरवरी को लगवाई थी, और आज उसकी सेकेंड जो बूस्टर डोज है वो लगवाई गई है नियम के अनुसार, और बिल्कुल सेफ़ है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने पूरा अपना ऑफिशियल वर्क किया है, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि दोनों वैक्सीन पूर्णतः सेफ़ हैं, और इनको आपका नंबर जब भी आता है आपको सूचित किया जाता है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसी सेशन साइट पर जाके आप इसका टीका लगवाएं। दूसरा, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन को ओपन किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वो जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है उसमें भी एक ऑप्शन है कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको यदि यूज़ करेंगे तो उनको भीड़ में अननेसेसरी टाइम नहीं लगेगा, और वो अपने घर पर बैठ के रजिस्ट्रेशन, अपना नाम और साइट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्रम के अनुसार जा सकते हैं। जनपद में गोरखपुर में 10 से 11 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ₹250 के पेमेंट पर टीकाकरण का शुरू किया गया है। यहाँ पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इससे अधिक जो शासन के निर्दिष्ट प्राइस है उसी पर लेगा, उससे ज़्यादा कोई प्राइस नहीं लेगा। सर, प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण कितने प्रतिशत सुरक्षित है? क्या आम जनमानस जो है वो जो सरकारी सुविधाएँ हैं उसके अनुसार ही सुरक्षित? देखिए, हम लोग CMO साहब, जैसे गोरखपुर जनपद की मैं बात करूं, तो CMO साहब ये देख के ही हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण करा रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं, कोल्ड चेन मेंटेन कर सकते हैं, उन्हीं को ये दिया जाएगा, और जहां पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है हम वहीं पर अलाउ करेंगे, और ये पूर्णतः सेफ है। आपके पास ऑप्शन है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, ₹250 का पेमेंट दे के आप वैक्सीनेट हो सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्रम के अनुसार, तिथि के अनुसार जाएं, समय अनुसार जाएं, और दूसरी डोज जो है जिसे बूस्टर डोज कहते हैं 28 दिन बाद, वो भी आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, कम्युनिकेट होगा, उसको भी समय से।